नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ राजेश प्रामाणिक। मैं 3 दशक का सफर में निकला हूँ इंडिया, नेपाल, भूटान, और अभी मैं हूँ जुंगला में। और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऊंचा है जो है 19,026 फीट ऊपर। वर्ल्ड का सबसे ऊपर 19,026 फीट ऊपर भाई आ गया। और ये जो नजारा है, मतलब कुछ बोलने का नहीं, मुंह से बात नहीं निकल रहा है। देखो बड़ा गिर रहा है। लद्दाख में जो बड़ा बड़ा इधर मिलता है वो इधर ही है। ये देखो कितना सारे है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं उमदुबला, और ऑक्सीजन का बहुत कमी हो रहा है। और कल रात जहाँ टेंट लगाए थे वो एक मेडिकल शॉप के अंदर था और पूरा बंद था। काफ़ी दिन से कोई नहीं आया, तो रात में कुछ अलग अलग आवाज़ सुनाई दे रहा था। और सुबह सुबह जल्दी 5 बजे टेंट उठा के हम लोग निकल पड़े। और देखो इधर का नज़ारा कैसा है। ना नेट काम कर रहा है, ना मैप काम कर रहा है। और देखो कितना सारा हॉर्स है, जंगली हॉर्स। और इधर का नज़ारा देखो, एक भी पेड़ नहीं है। और बहुत दिक्कत हो रहा है ऑक्सीजन का, तो हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। रास्ता देखो कैसा है, रास्ता खूब ही ख़राब। साइकिल नहीं जाच्छी, थैंक यू। देखो बाइक जाच्छे और रास्ता प्रचुर खराब, प्रचुर खराब। ऑक्सीजनर खूब ही प्रॉब्लम हो, देखे बुझते जे कम सिचुएशन। तर मध्य साइकिले सामान रही है सेगल प्रचुर भारी, प्रचुर वेट। कि करब, एखान पहाड़गुलो देखो जस्ट असाधारण, जस्ट असाधारण। सामने बरफ देखा जा पहाड़े ओपरे। देखो कत दूर थे हमारा, वही ग्रामा छा जाना, वही दिक दिए घूरे 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 रास्ता। तो चलो आगे जाए, सब आगे चले जा। देखो सिचुएशन केमन, प्रचुर असुविधा हे। अपनारा जी सपोर्ट ना करें तेल क्यों है, तो एक सपोर्ट करो। रोदुर स्किन जले जाम बेपार सकाल बेला। लद्दाख घोड़ा तो सहज ना, एखन जेखने आछि एखान 70 किलोमीटर मत किच्छु नहीं, ना पानी, ना जल, ना ऑक्सीजन कमी। सिचुएशन देखते कम अवस्था, रास्ता खराब। हो सपोर्ट करो, देखो खाली रास्ता। तो हेलो गाइस, लद्दाख क्यों आते, लद्दाख क्या आसे सबाई देखो। हमें कारण तो देखा, प्रचुर ठंडा और श्वासकष्टर प्रॉब्लेम, किंतु एखाने एक दारुण जिनिस देखार आछे, सेटा होच्छे रॉयल इनफील्ड। 120 खाना गाड़ी निये सबाई एसेछे, ठीक आछे, असाधारण। एदेर एकटा मीटअप चलछे, देखो केन लद्दाख मानुषे घुरते आसे, ठीक आछे। जस्ट एकटा अन्य एकटा प्लेनेट आमार एरकम मने होच्छे, जस्ट असाधारण किछु भिउ, ठीक आछे। गुटी कयेक फरेनार, बाकी सब इंडियन, ठीक आछे। देखो बाइक देखो सब रॉयल इनफील्ड, जस्ट असाधारण, किछु बलार नेई। तो चलो कोनो दिन यदि सेरकम सुयोग है आमरा होयतो बाइक निये आसबो। तो चलो यदि भिडियो भालो लगे थाके अवश्य लाइक कमेंट शेयर करबें, और कमेंट में हरार महादेव अवश्य बोलबें। तो चलो
प्लीज सफाई कर रहा है। और ये उमलिंगला है, उमलिंगला 19,024 फीट ऊपर इंडिया के सबसे ऊपर है। उमलिंगला है, देखो उमलिंगला सबसे टॉप है, वर्ल्ड का सबसे टॉप है। और हम लोग आए साइकिल से, ये मेरा सहसदी है। और देखो स्नोफॉल हो रहा है, अभी स्नोफॉल हो रहा है, ये स्नोफॉल हो रहा है। और पूरा देखो नीचे पूरा पहाड़ के ऊपर बहुत ही ठंडा लग रहा है। और नज़ारा देख सकते हो आप लोग, मेरे को ठंडी इतना लग रहा है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ राजेश प्रामाणिक, मैं 3 दशक सफर में निकला हूँ इंडिया नेपाल भूटान। और अभी मैं हूँ उमलिंगला में, और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऊंचा है जो है 19,024 फीट ऊपर, और इंडियन फ्लैग लेके अभी खड़ा हूँ। और इधर स्नोफॉल हो रहा है, जस्ट वो बहुत ही मस्त है। और 120 बाइकर आया है, मस्त लग रहा है। भारत माता की जय। हालत देखो यार, रास्ता देखो कहाँ आ गया। धीरे धीरे ब्रो, धीरे। और मेरा साइकिल लेके भैया चला रहे, और नीचे का रास्ता देखो कहाँ से आए हम लोग। और मेरा हाथ पूरा जम रहा है, और पूरा स्नोफॉल हो रहा है। ओ माय गॉड, भाई देख सकते हो वर्ल्ड का सबसे ऊपर 19,024 फीट ऊपर भाई आ गया। और ये जो नजारा है, मतलब कुछ बोलने का नहीं, मुंह से बात नहीं निकल रहा है, ऐसी बात है। और हर बाइकर का सपना होता है, हम साइकिल लेके आया। और देखो मेरा सहजदी ये भैया चला रहा है, भैया देख के एकदम। रास्ता देखो, इंडिया हर इंडिया का सपना होता है ऊपर चढ़ने का। रास्ता देखो कहाँ से जाना पड़ेगा अभी, तो सच बात बोली तो ऊपर आ गया, लेकिन नीचे उतरने के लिए भैया हेल्प करेगा हम लोगों को। और नीचे हम लोग ये भैया की गाड़ी से जाएंगे। ये दोनों भैया हम लोगों को हेल्प किया, साइकिल ऊपर चढ़ा दिया। और देखो हाथ पूरा जम रहा है, और स्नोफॉल भी हो रहा है, और डोंट उड़ रहा है देखो। देखो भाई ये सपना है, सपना है लद्दाख। 10 दिन का टूर नहीं है भाई, साइकिल लेके कोई आता है, 10 दिन के अंदर लद्दाख कंप्लीट हो जाता है। 10 दिन के अंदर लद्दाख कंप्लीट का नहीं है भाई। अभी अभी भी 10-12 दिन लगेगा हमको लद्दाख कंप्लीट करने का। यही है लद्दाख, देखो 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 पूरा पहाड़ के ऊपर, ठीक है, एक पहाड़ के पूरा जितना सारे पहाड़ है, हर पहाड़ के ऊपर यही लास्ट रास्ता है, इसके बाद कोई रास्ता नहीं है, ख़त्म है। देखो पूरा पहाड़ के ऊपर पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा है, ऐसी बात है। अपना इंडियन फ्लैग सबसे ऊपर, ये देखो उमलिंगला टॉप। जो मेरा हाथ भी कप रहा है, जो 19,024 फीट ऊपर उमलिंगला टॉप। देखो कैसा है उमलिंगला टॉप। सुनो गिर रहा है, सुनो गिर रहा है, देखो बर्फ गिर रहा है धीरे धीरे। देखो बर्फ गिर रहा है, देखो बर्फ गिर रहा है। टूर नहीं होता है भाई साइकिल से, मनाली से आके 10 दिन में किसी को लद्दाख कंप्लीट हो जाता है। हम लोग लद्दाख अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी 10 दिन लगेगा। तो उमलिंगला आ गया, और सबसे ऊपर जाने के टाइम साइकिल ऊपर लोड किया। ये भैया बहुत हेल्प कर रहा है, दिखाओ भैया
भैया का नाम क्या है? पद्मा सर। तो भैया थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भैया। इधर से आए और इधर एक मंदिर है और भंडारा कर रहा है आर्मी वालों, बहुत ही मस्त। हम लोग पसंद पसंद सब खाए, अभी जा रहे हैं। तो थैंक यू किए आर्मी लोगों को। प्रसाद खाने के बाद नीचे जा रहा हूँ, तो बहुत ही ठंडा था भाई, क्या बोलूँ, स्नोफॉल हो रहा था। तो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर बोलना।